नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में होने वाला ये चुनाव कल अपने आधे यानी हाफ वे मार्क पर पहुंच जाएगा। क्या है मुद्दे इस बार जनता के? क्या केवल नेताओं के बयानों पे ही तय करेगी जनता? हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की वरिष्ठ नेता सुभाषिनी अली हैं। सुभाषिनी जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताइए, तो क्या मतलब सिर्फ 10 दिन में दिए हुए बयान ही होते हैं जो जनता सुनती है इलेक्शन से पहले और बस मामला फिट हो जाता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर आप देखें तो जो अभी एक बदलाव दिखाई दे रहा है, एक परिवर्तन की हवा दिखाई दे रही है, लेकिन इसके संकेत बहुत पहले से मिलने लगे थे। लेकिन ये भी मालूम था हम लोग सबको कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट मिला है और बहुत बड़ी बढ़त मिली थी पिछले चुनाव में। तो वो बढ़त कोई पूरा कर पाएगा, मतलब उसके आगे निकल पाएगा, इस पर कई सवाल थे। इसलिए कोई बहुत ज्यादा कह नहीं रहा था कि हाँ कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो बदलाव के संकेत तो बहुत दिनों से मिल रहे हैं। अगर मैं 2-3 बातें कहूँ कि मेरे ख्याल से सन 18 में ही जो एक उनके साथी थे, उनके सहयोगी थे, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने उसी समय कैबिनेट को भी छोड़ा और उनका साथ भी छोड़ा, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ये पिछड़ों की विरोधी सरकार है और कहा कि हमने मांग की थी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए जो अति पिछड़े हैं उनको। इसके लिए कोई एक कमेटी या आयोग भी गठित हुई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको करने वाली नहीं है। एक और बात जो उन्होंने कही वो ये कि बीजेपी की सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए कुछ फंड आवंटित किया है। तो जो बच्चे एससी एसटी और ओबीसी जातियों के हैं उनके लिए 700 करोड़ रुपए, और जो उच्च जाति के बच्चे हैं उनके लिए भी 700 करोड़ रुपए। इनका ये तो घोर अन्याय है, क्योंकि जो आरक्षित सेक्शंस के बच्चे हैं वो तो 5 गुना ज्यादा है, उनकी संख्या 5 गुना ज्यादा है। तो उन्होंने इन बातों को कह करके बहुत स्पष्ट रूप से इसको पिछड़ा विरोधी घोषित करके इनका साथ छोड़ दिया। तो ये पहला संकेत था। उसके बाद आपको मालूम है 3 बड़े उपचुनाव हुए संसदीय क्षेत्रों में, गोरखपुर में, फूलपुर में और कैराना में, और उनमें सब में वो हार गई भारतीय जनता पार्टी। फिर उसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया और 2019 में उन सीटों को फिर से प्राप्त किया, लेकिन ये संकेत थे। फिर 19 में जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो 100 विधायक जो पिछड़ी जातियों के थे उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया और कहा कि ये हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता है। तो उनको भी फिर मैनेज करने में या खुश करने में काफी उनको जो है करना पड़ा, और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं सब ठीक हो गया है। तो ये संकेत थे कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष है, और ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इन्हीं जातियों के नेताओं के साथ गठबंधन करके ये सरकार बनी थी। एक केवल उनके जीत के पीछे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ही नहीं था, बल्कि जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं और गैर जाटव चमार दलित उपजातियां हैं उनके साथ और उनके नेताओं को उन्होंने जो अपने साथ किया वो एक बहुत बड़ा कारण था उनकी जीत का। अब ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरे अलायंस गठबंधन उन्होंने तैयार किया है वो वो अलग थलग हो रहा है। खैर, इसके बाद आपको मालूम है कई चीजें हुई। एक तो कोरोना का जिस तरह से लोगों पर आक्रमण हुआ कहा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट था कि किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पलंग नहीं है। ये दोनों कोरोना के वेव्स की बात मैं कर रही हूँ। पहले वाले में तो ये आप कह सकते थे कि भाई कभी ये बीमारी देखी नहीं गई, तो अगर सरकार तैयार नहीं है तो उसको ज्यादा मतलब वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब लोग लौटे जो प्रवासी मजदूर थे और
ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की लौटने में। वो जिस हालत में आए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पैदल, पैरों में छाले, धूप में औरतें अपने बच्चों को सूटकेस के ऊपर रख के, मतलब वो सारी तस्वीरें हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और ये तो आम लोग थे जो सड़कों के ऊपर खड़े होकर के, हाईवे के ऊपर खड़े होकर के खाना बांट रहे थे, पानी की बोतलें बांट रहे थे। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हुई। और जो सबसे बड़ा धोखा हुआ वो ये कि सरकार ने ऐलान किया कि अब किसी को भी काम के लिए उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ना पड़ेगा, यहाँ हम काम देंगे, लाखों लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो लोग काम कर रहे थे, इस सरकार ने बहुत कुछ किया है उनकी जीविका उनसे छीनने के लिए। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगी, जैसे कि उन्होंने जो मीट की पॉलिसी बनाई, अब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी यहाँ जानवर कट रहे हैं, गौवंश कट रहा है और उसका मीट बाहर जा रहा है। लेकिन जो छोटे छोटे लोग मीट के धंधे से जुड़े हुए थे, स्लॉटर हाउसेस को बंद करने के बाद उनका काम, उनका धंधा बिल्कुल बंद हो गया। और ये केवल मुसलमान ही नहीं थे, इस पे लाखों दलित वर्ग के लोग भी जानवरों की कटाई में, उसके खाल उतारने में, उसके मीट को इधर से उधर ले जाने में या मीट की बिक्री करने में इस धंधे के साथ जुड़े हुए थे। उन सबका काम चला गया। टैनरीज का काम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ और टैनरीज में भी दलित वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। जो मालिक है उन्होंने तो अपना काम चला लिया, लेकिन मजदूरों की बहुत हानि हुई। और जैसा कि मैंने कहा, मीट का धंधा नहीं बंद हुआ, बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया, लेकिन वो पूरा का पूरा धंधा दो चार बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस के हाथ में चला गया जो कि बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। तो ये जो मीट पॉलिसी थी उसने गरीबों का काम तो छीन लिया और बड़े लोगों के पास वो पूरा का पूरा धंधा पहुंचा दिया। और ये उनके हर पॉलिसी के साथ देखा जा सकता है। उसी मीट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ये भी नतीजा था कि ये जो आवारा जानवर हैं, इनकी समस्या, और आज आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जहां भी लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव में, तो आवारा जानवर और उनके द्वारा फसलों का नुकसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये प्रधानमंत्री ने अपनी इलेक्शन की स्पीच में उत्तर प्रदेश में ही कहा है कि वो नई पॉलिसी बनाएंगे, एक नए सिरे से सोचेंगे। तो क्या आपको लगता है कि लोग मान जाएंगे एक बार, ये एक तरह का वो सब वो कह रहे हैं कि भाई आप 8 साल से वहां बैठे हुए हैं, 5 साल से इतनी बड़ी बहुमत के साथ आपकी सरकार आई थी, अब और कितना समय आपको चाहिए सोचने के लिए। लोग जानते हैं कि जो गौशाले बने हुए हैं वहां पर जानवर मर रहे हैं क्योंकि उनको चारा नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको दवा नहीं मिल रही है। वहां से जानवर छोड़ दिए जाते हैं लोगों के खेतों को खाने के लिए, तो वो अब बिल्कुल भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने बताया कि नौकरी और रोजगार देने के बजाय सरकार ने लोगों से रोजगार छीना है और बहुत बड़े पैमाने पर छीना है, जिसकी वजह से जो पिछला लॉकडाउन एक बार उठा और लोग आए वापस, तो बहुत जल्दी वो चले गए, फिर जहां भी वो काम करते थे वो वहां वापस चले गए। और मैं तो अभी इस चुनाव के अभियान के दौरान गाँव में बहुत गई हूँ, तो मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जिनके लड़के केरला में है और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ बहुत खुश थे लॉकडाउन में, वहाँ की सरकार उनको खाना दे रही थी 3 टाइम, उनके लिए खेलकूद का भी इंतजाम कर रही थी, और जब उनको वापस आने के लिए ट्रेन चली तो सरकार ने उनको ट्रेन का टिकट खरीद करके उनको ट्रेन में बाइज्जत बिठाया। तो ये भी लोग कह रहे हैं कि जब एक सरकार ये कर सकती है तो दूसरी सरकारों क्यों नहीं करती। और जो दूसरी लहर आई उसका तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कोई तैयारी नहीं थी और लोग खाट के लिए परेशान, दवा के लिए परेशान, और उसमें मरने के बाद लकड़ी के लिए परेशान, नदियों में बहाए गए लाशों को, और ये सारी चीजें लोग याद कर रहे हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। और अब जब सरकार के जब भी इलेक्शन आता है तो वो ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम की, तो इसीलिए इन सारे कारणों की वजह से देखिए मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी है इस चुनाव में
कि जो बड़े नेता हैं, ये जो बड़ी पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं भाजपा के खिलाफ, वो भी ध्रुवीकरण के खिलाफ बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। वो भी मुसलमानों को न्याय मिलना चाहिए या उनके साथ अन्याय हुआ, उनके ऊपर हमले हुए, 19 लड़के मारे गए सीए के मामले को लेकर के, इस पर बोलते नहीं है। लेकिन जो आम जनता है वो बोल रही है, वो कह रही है कि भाई हिंदू कहाँ से खतरे में आ गया, हम तो 80% हैं जनता के, इसके पहले हम खतरे में नहीं थे, तो इस सरकार के आने के बाद ही हम खतरे में आ गए, तो इसका इससे अच्छा है कि सरकार चली जाए। फिर जब उनसे कहा जाता है कि राम मंदिर बन रहा है, तो वो गांव वाले जो अशिक्षित हैं वो भी कहते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इनकी वजह से थोड़ी ना बन रहा है, और हम लोग सबने चंदा दिया है राम मंदिर को बनाने के लिए और हमारे पास पैसा नहीं है अयोध्या जाने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि ये कहते हैं कि हम राम को लाए, ये गाने इनके बज रहे हैं कि हम राम को लाए, तो ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? अरे ये विजय माल्या को नहीं ला पाए तो ये राम को क्या लाए, राम तो हमेशा थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ध्रुवीकरण के इनके मुद्दे हैं उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से आम लोग बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कहाँ है आतंकवाद, कहाँ है आतंकवाद, हमको तो कोई आतंकवादी नहीं दिखाई दे रहा है। ये अभी हाल ही में कहा उन्होंने साइकिल पे साइकिल, तो उसका खिलाफ उसका भी जवाब लोग दे रहे हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर साइकिल पर इनको आतंकवादी दिखाई देते हैं तो 8 साल से इनकी सरकार है तो इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, 8 साल तो इन्होंने कुछ किया नहीं, अब इनको आतंकवादी। तो ये जो खोखली बातें हैं उनके खोखलेपन को जनता, मैं देख रही हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बहुत स्पष्ट तरीके से देख रही है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जातिबंदी, जातवादी गोलबंदी की राजनीति है, और जातियां बोलती हैं, जातियां जिस तरफ जाती हैं फिर वो उस तरफ जा करके खुल करके बोलती हैं, और उनके खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो बड़ा परिवर्तन आया है, जो हम लोगों ने देखा कि कई बड़े जातीय नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट रैंक मंत्री थे वो छोड़ करके चले गए, तो इसके पीछे जो सच्चाई है वो हमें समझनी चाहिए। ये नेता चुनावी नेता है और ये कोई आरएसएस वाले नहीं है, ये ज्यादातर बसपा में थे और बसपा से भाजपा में गए, तो इनको चुनावी राजनीति का बहुत ध्यान रहता है, इनके जो कान हैं ये जमीन पर टिके रहते हैं, और इन्होंने जब देखा कि उनके पीछे जो जातियां हैं वो खिसकने लगी हैं, तो फिर उन्होंने भी बड़ा फैसला लिया और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का पारा छोड़ा और सपा के साथ वो जुड़ गए। और एक बात मैं और कहूंगी कि बहुत बड़ा कारण इस परिवर्तन का है किसान आंदोलन। देखिए उत्तर प्रदेश में पश्चिम को छोड़ करके किसान बहुत बोल नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब किसान है, छोटी जोतों के मालिक हैं, उनके लिए संभव नहीं था कि वो वहां जाकर के बैठ जाए, महीनों बैठ जाए, लेकिन उनका दिल किसान आंदोलन के साथ था, उनकी हमदर्दी उसके साथ थी, और जो किसान आंदोलन के साथ अत्याचार हो रहा था वो उनको बुरा लग रहा था। और किसान आंदोलन की जो जीत हुई उससे 2-3 बातें हुई हैं। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इसके पहले मुस्लिम और हिंदू किसानों के बीच में दंगे करवा करके भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त ध्रुवीकरण किया, वो पट गया, वो किसान आंदोलन द्वारा पट गया, और लोगों ने गले मिलाने का काम किया और इसको खुले रूप से कहा कि अब हम कभी नहीं बटेंगे, अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे। आपको मालूम है हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगे एक ही मंच से, तो ये एक शुरुआत थी। लेकिन जब किसान आंदोलन जीता, जब उसके सामने मोदी को हार माननी पड़ी, तो इसका जबरदस्त असर पड़ा, क्योंकि आम लोगों के अंदर ये बात आई कि मोदी को हराया जा सकता है, केवल योगी को नहीं मोदी को हराया जा सकता है और उसको झुकाया जा सकता है, उसके लिए केवल और केवल एकता जरूरी है, हम एक रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर के डटे रहेंगे तो हम भी जीत सकते हैं। तो ये जो आज एक पत्रकार जो आ रहे हैं बाहर से और कह रहे हैं कि हवा चल रही है, परिवर्तन की हवा चल रही है, वो एक दिन की हवा नहीं है, वो कई कई परेशानियों को लेकर के
कई कई बहुत सारी नाउम्मीदी को लेकर के, निराशा को लेकर के ये हवा तैयार हुई है। और इसमें ये एक बहुत जरूरी बात याद आती है कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, वहां मुसलमान और जाट समुदाय मिल गए, यानी कि हिंदू और मुस्लिम, तो इसी तरह की कोई ताकतवर कौम चाहिए होती है गरीब जनता को, गरीब तबके को, जिसके साथ वो जुड़ के किसी पार्टी के साथ या किसी पार्टी के खिलाफ हो। वही तो हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे अपना दल जो बीजेपी के साथ नहीं है, बहुत छोटी पार्टी है जिसकी नेता सोनेलाल पटेल जी की वाइफ है, और ये जो जो राजभर पार्टी है, महान पार्टी है, ये जो है ये अपने आप को अब ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़ गए हैं, क्योंकि उनको बार बार ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका बहुत अपमान किया है। और आपने एक इंटरव्यू में भी सुना होगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ मैं ठाकुर हूँ, मुझे ठाकुर होने पर गर्व है, और जितने भी भगवानों ने अवतार लिया उन्होंने ठाकुर परिवारों में अवतार लिया, इस तरह की बातें की। तो ये जो ठाकुरवाद के खिलाफ भी एक उन्होंने एक सबूत दे दिया ठाकुरवाद का खुद ही, उन्होंने तो खुल के कह दिया, जो लोग महसूस कर रहे थे, जो लोग आरोप लगा रहे थे, उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो ये जो तमाम छोटी जातियां हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो इन जो जमींदार जातियां हैं उनके भी आतंक की शिकार रही हैं। ये भी मतलब ये बहुत पेचीदा मामला है, ये जो जाति गोलबंदी का मामला है ये बहुत पेचीदा है, ये बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो पिछड़ी जातियां पिछले 25 साल से अपने आप को यादवों के खिलाफ मानती थी, यादवों को अपना प्रतिद्वंदी मानती थी, आज उनके बहुत बड़े हिस्से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये हम लोग 5 साल पहले सोच नहीं सकते थे, लेकिन ये अब हो रहा है। और इसीलिए ये जो 3 चरण हुए हैं चुनाव के, इनमें करीब करीब 100, मेरे ख्याल से 180 सीटों के करीब का फैसला हो चुका है। तो पिछली बार जो संगीत सोम है उन्होंने कहा था कि पश्चिम से हवा चलती है और पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है, तो अब की बार हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम से फिर हवा चल रही है, लेकिन ये बहुत बदली हुई हवा चल रही है और ये बिल्कुल दूसरे तरीके से बाकी उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रही है। और वहां जो रालोद के साथ गठबंधन बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ, उसने इस हवा को चलाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। ये भी बताएं कि जो दलित वोटर है उसका मूड कैसा बन रहा है। देखिए दलित वोटर एक जैसा नहीं है, और दलितों के कई उपजातियों में भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों से बहुत ही टारगेटेड निशाना साधते हुए काम कर रही है, जैसे कि सोनकर जाति जो है, वाल्मीकि जाति जो है, लेकिन यही जातियां हैं जो इस समय बिखरी हुई हैं, दिखाई दे रही हैं। जैसे कि अभी जो परसों चुनाव हुआ कानपुर में, तो हमारे यहाँ जो एक मोहल्ला है खटकियाना, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बढ़त लेती थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने जाकर के खटिकों को गाली दी और कहा कि तुमको 5 बजे के बाद देख लेंगे, क्योंकि उनको नजर आया कि वो उनको वोट नहीं दे रहे। तो ये शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी उपजात शिफ्ट हुई है, लेकिन उसमें बिखराव होना, बंटवारा होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वाल्मीकि जात के अंदर हाथरस कांड के बाद बहुत गुस्सा है, वो कभी योगी को माफ नहीं करेंगे। और मुझे लगता है अब इसके बाद के चरणों में हाथरस का भी चुनाव आएगा और लखीमपुर खीरी का भी चुनाव आएगा। आप देखिए गांव में अशिक्षित लोग लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का बहुत बड़ा ये मुद्दा था, बिंदु थी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और उसके राज में गुंडा राज था, और वो बार बार इस बात को दोहराते हैं। लेकिन अब आम लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, कह रहे तुमको सिर्फ मुसलमान गुंडे दिखाई देते हैं और ये तो पहले ही बंद हो गए थे आपकी सरकार आने से पहले, चलिए बाकी गुंडे आपको नहीं दिखाई देते हैं। जो सबसे बड़ा गुंडा है वो टेनी, जो गृह मंत्री है, वो क्यों नहीं अपने पद से हटा है, और इसके लड़के को इतनी जल्दी
जमानत कैसे मिल गई है? तो ये जो लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक मंत्री के लड़के ने अपनी जीप को चढ़ा दिया और मार डाला चार किसानों को और एक पत्रकार को, तो वो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो जो पहले की बातें हैं वो तो अब 5 साल पहले हुई थी, उसमें काफी समय निकल चुका है, लेकिन ये जो अभी अभी हुआ है उसकी छाप तो बहुत मतलब ताजा है और उसको लोग नहीं भूल पा रहे हैं। कुल मिला के आपको ऐसा लगता है कि पिछली बार पिछले कुछ इलेक्शन में जो भाजपा एक तरह से सभी के वोटरों को अपनी तरफ खींच लेती थी, इस बार उसका विपरीत हो रहा है, मतलब हर तरफ से। इसमें एक तो ये घमंडी है हमारे योगी जी, बहुत घमंडी है, ये तो किसी से भी बात नहीं करते हैं, इनके मंत्री सब चुपचाप शिकायतें करते हैं, और इन्होंने तो जो उनका ओबीसी का फेस था, प्रतीक था मौर्या, उनको भी बताते हैं लोग काफी मतलब बेइज्जत किया, स्टूल पर बिठाया, उनके ऊपर एक केस उनके पास होने के सर्टिफिकेट पे भी दर्ज कर दिया है। तो इन सारी बातों को लेकर के ये जो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया है, एक बड़े नेता है चौहान जो मंत्री थे कैबिनेट के, उन्होंने कहा हमारा सेक्रेटरी कभी हमसे बात ही नहीं करता था, हम जानते नहीं हमारा डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कौन है, वो तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के पास ही जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जब आप एक गठबंधन तैयार करते हैं तो आप गठबंधन के सदस्यों का सम्मान करते हैं कि नहीं, उनको अपने साथ रखते हैं कि नहीं, उनकी बातों को सुनते हैं कि नहीं, तो गठबंधन के जारी रहने का इस पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है। अब ये देखने की बात होगी कि आगे समाजवादी पार्टी अपने नए गठबंधन के साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, नेताओं को कितना सम्मान देगी। जो कुछ वर्ग की समस्या होती है जब इस उत्तर प्रदेश में, इस प्रदेश में, तो वो एक जाति उसको एक्सप्रेस कर पाती है। देखिए अब जैसे कि अगर हम किसान एक वर्ग है जी, और किसान आंदोलन एक वर्गीय लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी, और उसको जो नेतृत्व देने वाले जो खेतिहर जातियां हैं वो उन मांगों को रखने वाले, उनकी आवाज को उठाने वाले लोग के रूप में देखे जाते हैं। तो हमारे यहाँ निश्चित रूप से वर्ग और वर्ण दोनों का बहुत घाल मेल भी है, और ये जो लड़के आज नौकरी की मांग कर रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं लाठियां मिली हैं, हमारे पेपर आउट कर दिए जाते हैं, ये तो हर जाति के हैं, ये बेरोजगार हैं, और ये ज्यादातर बहुत मामूली परिवार से आए हैं, तो ये भी एक वर्ग बोल रहा है, एक बेरोजगारों की आवाज बहुत जोर से इस चुनाव में सुनाई दे रही है, गरीबों की आवाज बहुत सुनाई दे रही है, गरीब कह रहे हैं कि ये तुम हमको भीख की तरह से दे रहे हो, 5 किलो राशन किसी को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 4 मिलता है, ये आप हम एक एक गांव में जाकर के हमने पता किया है, सब जगह 4 मिलता है, और कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, 97 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं इस सरकार ने, जो तेल है वो पाम ऑयल है जिसमें हींक आती है, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आम लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा सरसों का तेल 60 रुपए से 200 हो गया, उसको 60 रुपए कर दो और अपना गंदा तेल हमको मत दो। और प्रधानमंत्री ने इतनी मतलब नीचे स्तर की बात की कि हमारा नमक तुम खा रहे हो, तो एक बात तो ये कि उनका नमक नहीं है, सरकारी नमक है, और उस नमक के बारे में लोग कह रहे हैं कि इसमें प्लास्टिक है, इसमें कांच है, ये हम अपने बच्चों को खिला देंगे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे, ये मतलब हम नहीं कह रहे, ये जिन लोगों से हमने बातचीत की है वो कह रहे हैं। तो ये गरीब आदमी उत्तर प्रदेश का बिल्कुल बेजार है, वो इतना परेशान है क्योंकि मनरेगा का काम भी बिल्कुल बंद हो गया है, कहीं भी मनरेगा का काम नहीं चल रहा है। हम लोग गए थे इलाहाबाद के ग्रामीण इलाके में, महिलाओं को जो खेत में काम करती है 100 रुपए और 120 रुपए रोज मिलते हैं, और उनको काम मिलता है साल में 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, तो कहते हम कैसे खाएं, अपने बच्चों को कैसे खिलाएं। तो गरीबों का बहुत बड़ा सवाल है, अब आप उसको देखिए, एक वर्गीय सवाल है, और उनका कभी कभी उसको व्यक्त करने का तरीका एक जातीय माध्यम भी हो सकता है, लेकिन ये है वर्गीय सवाल। हाँ, फिर भी हम पाते हैं कि पिछले कुछ सालों में कोई ना कोई सरकारी स्कीम है जो हर गांव को छूती हुई तो गई है, तो क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा को इसका फायदा नहीं मिलेगा?
देखिए, भाजपा के बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि सरकार चलाने में ये बिल्कुल फेल है। ये खुद अपने ही प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाती है। अब आप देखिए, उन लोगों ने जांच करवाई है कि कितने शौचालय बने। इन्होंने दावा किया था कि 2.5 करोड़ बने हैं, इन्हीं की जांच ने बताया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं बने। और वही जांच बता रही है कि बहुत सारे जो बने भी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं है, वहां सीवर लाइन नहीं है। लेकिन वो अपनी बात वही कहते रहते हैं, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। वो जो उसको ठीक करने की बात है उसको नहीं करते हैं। वही राशन के बारे में मैंने आपको बताया, और बाकी जो किसान को वो 2,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, तो किसान कह रहा, भाई हमको हमारी फसल का दाम क्यों नहीं देते हो? हमने तो तुमसे भीख मांगी नहीं, तुम हमको भीख मत दो, तुम हमारी फसल का दाम ठीक से दे दो, MSP दे दो। अब MSP शब्द हर गांव में पहुंच गया है और हर छोटा बड़ा किसान MSP की बात कर रहा है, और सब देख रहे हैं कि योगी सरकार ने बिल्कुल धान और गेहूं की भी खरीद नहीं की। बाकी चीजों को तो भूल जाइए, मंडियां बिल्कुल सूनी पड़ गई हैं इनके राज में। अब आप एक तरह से अज्यूम कर रही हैं कि भाजपा हारेगी ही हारेगी। नहीं, ये मैं तो नहीं कह रही हूँ कि हारेगी, क्योंकि पिछली बार 51% वोट मिला था, लेकिन उसके हारने की संभावना केवल हमको नहीं, बहुत सारे लोगों को दिखाई देने लगी है। और ये जो 3 चरण हुए हैं, पश्चिम के 2 और ये मध्य उत्तर प्रदेश का 1, इनमें तो भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब हुआ है। लेकिन चलिए, आप कह सकते हैं ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वहां किसान आंदोलन का असर था पश्चिम में, और ये जो एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, औरैया का ये जो इलाका है, ये पहले भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो यहाँ अगर वो फिर से मतलब अच्छी सीटें जीतने की स्थिति में, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब इसके बाद जो चरण है उनमें देखना होगा कि क्या होता है। अब इसके बाद आएगा हाथरस और लखीमपुर खीरी, वहां बहुत गुस्सा है लोगों में। हमने सुना कि हरदोई में भी काफी मतलब समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। मतलब अगर आप रैलीज और रोड शोज को देखें तो निश्चित रूप से कोई मुकाबला है नहीं। ये भी हो सकता है लोग कहते हैं कि भाई नौजवान है अखिलेश, लोग उसको देखना चाहते हैं, हो सकता है। लेकिन उसकी रैलीज में और उसके रोड शोज में जिस तरह से भीड़ और नौजवानों की भीड़ जिस तरह से जुट रही है और कितने उत्साह के साथ जुट रही है, और गरीब लड़के बहुत उम्मीद के साथ जुट रहे हैं, ये चीज हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रैलीज और रोड शोज में नहीं दिख रहा है। अब इसका वोट में कितना परिवर्तन होगा, इसको तो अभी ज्योतिष हम कर नहीं सकते और ज्योतिष हम करते भी नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव और अब के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है, ये जरूर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ क्लिक के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया।